अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हमारे वोकैबुलरी कोर्स का ये लेक्चर नंबर 45 है, जिसके अंदर हम सफिक्स और इससे रिलेटेड वोकैबुलरी को जानने की कोशिश करेंगे। सफिक्स को उर्दू में लहका कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी दूसरे लफ्ज़ के बाद में यूज़ होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको जो नोट नज़र आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करके इस नोट को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो वोकैबुलरी लिस्ट की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा जानते हैं सफिक्स के बारे में कि ये होता क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें, अ वर्ड विच इज़ एडेड आफ्टर अनदर वर्ड टू क्रिएट अ न्यू वर्ड इज़ कॉल्ड एज सफिक्स। तो सिंपल है कि एक ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे वर्ड के बाद में आता है और इन दोनों के मिलने से एक तीसरा यानी नया वर्ड बन जाता है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है वर्क, ये वर्क है, लेकिन जब इसके साथ सफिक्स मिल रहा है तो फिर ये जो हमारा वर्ड वर्क है ये रूट वर्ड के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो वर्क यानी रूट वर्ड, इसके साथ एबल जो कि सफिक्स है, जब ये मिला है तो तीसरा वर्ड बन गया वर्क एबल, यानी काम के लायक या काबिल। सम मोस्ट कॉमनली यूज सफिक्सेस विद वर्ड्स आर गिवन एज अंडर। तो जो आम तौर पर जो सफिक्सेस हम यूज़ करते हैं हमारी ग्रामर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उनकी एक लिस्ट जो है वो मैंने तरतीब दी है और हर एक सफिक्स के साथ एग्जाम्पलरी वर्ड्स जो हैं वो भी दे दिए गए हैं। तो चले अब हम देखते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास जो सफिक्स है वो है ई एन, जो कि लाइक और मैडन यानी बना हुआ इसकी सेंस देता है। एग्जाम्पल में हमारे पास है वाइडन, चौड़ा किया हुआ, ग्लैडन, खुश किया हुआ, टाइटन, कसा हुआ, स्ट्रेंथन, मजबूत किया हुआ, फॉरबिडन, मना करदा, वार्डन, निगरान, ब्राइटन, रोशन करना, चमकना। नेक्स्ट हमारे पास सफिक्स है ए एल, और ये किस लिए यूज़ होता है? फॉर मेकिंग ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव, इसम और इस वक्त इसमें सिफ्ट बनाने के लिए ये यूज़ होता है। नेशनल, कौमी, प्रपोजल, पेशकश, पॉलिटिकल, सियासी, एनिमल, जानवर या हैवान, रॉयल, शाही, डिनाइल, इनकार या तरद्दुद। नेक्स्ट हमारे पास जो सफिक्स है वो डबल ई है, ये किस लिए यूज होता है? फॉर मेकिंग ऑफ नाउन, इसम बनाने के लिए। पेई, अदायगी करने वाला, एग्जामिनी, इम्तहान देने वाला, ट्रस्टी, इमानतदार, एब्सेंटी, गैर हाजिर। नेक्स्ट हमारे पास सफिक्स है ई टी, ये किस लिए यूज होता है? फॉर मेकिंग ऑफ नाउन, इसम बनाने के लिए। पैकेट, पैकेट, रैकेट, रैकेट, लॉकेट, लॉकेट, बकेट, बाल्टी। नेक्स्ट फिक्स है एल वाई, फॉर मेकिंग ऑफ एडवर्ब, ये एडवर्ब बनाने के लिए यूज होता है। लाउडली, ऊंची आवाज से, गॉडली, दीनदार या साले, हेवनली, उस्मानी या वहशती, रफली, खराब या गैर महजब तौर से, कवरली, बुजदली से, स्कॉलरली, आलमियत से। नेक्स्ट फिक्स है ओ एन, ये यूज होता है फॉर मेकिंग ऑफ नाउन, ये नाउन बनाने के लिए यानी इसम बनाने के लिए यूज होता है। सेक्सटन, गोर्गन, सर्जन, ऑपरेशन करने वाला, डॉक्टर। नेक्स्ट सफिक्स है टी वाई, फॉर मेकिंग ऑफ नाउन, ये भी इसम बनाने के लिए यूज होता है। लॉयलिटी, वफादारी, फ्रेलिटी, लग्जिश, खता या कमजोरी, रेयरिटी, शादो नादर होना, क्रेडिबिलिटी, सदाकत, एतबार। आर ई डी, फॉर मेकिंग ऑफ एडजेक्टिव, इसमें सिफ्ट बनाने के लिए। किंडर्ड, मेहरबानी से, मेहरबानी वाला, हेटर्ड, नफरत शुदा, नफरत वाला। आई सी ई, फॉर मेकिंग ऑफ नाउन, इसम बनाने के लिए। कवरडाइस, बुजदली, एवराइस, हिरस, तमा या लालच। सर्वस, खिदमत, नौकरी, प्रैक्टिस, मशक। एन ई डबल एस, फॉर मेकिंग ऑफ नाउन, इसम बनाने के लिए। ग्रेटनेस, अजमत, डार्कनेस, तारीकी, ओपननेस, वाज बयान, बोल्डनेस, बेबाकी। ई आर, कीपिंग, हैविंग या डूइंग वाला। फ्लटर, इधर उधर फड़फड़ाना,
ग्लिमर टिमटिमाना झलमलाने वाला शमा या किरण। इंटरप्रेटर तर्जमानी करने वाला। ग्लिटर चमक चमक दमक चमकना दरक्षा होना। LESS इसका जो है इसका मतलब होता है विदाउट। मीनिंगलेस बेमानी। स्पीचलेस गूंगा। टाइमलेस लाजमान। शेमलेस बेशरम। बेसलेस बेबुनियाद। सेंसलेस बेअकल। नेक्स्ट हमारे पास सफिक्स है INE। ये किस लिए यूज होता है? फॉर मेकिंग ऑफ एडजेक्टिव, इसमें सिफ्ट बनाने के लिए। फिलाइन बिल्ली जैसा या चोरी छुपे करना। मैस्कुलन मजक्कर। फेमिनिन मोनस। डिवाइन खुदाई। नेक्स्ट फिक्स है FUL, इसका मतलब होता है यानी जो मीनिंग दे रहा होता है फील्ड के मीनिंग देता है यानी लबरेज या भरा हुआ। ब्यूटीफुल खूबसूरत। ग्रेसफुल बावकार। विलफुल रजामंद। टियरफुल अफसुरदा। ड्रेडफुल खौफनाक। ग्रेटफुल ममनून। नेक्स्ट है ORY। ORY जो है ये यूज होता है फॉर मेकिंग ऑफ एडजेक्टिव, सिर्फ इसमें सिर्फ बनाने के लिए एडजेक्टिव बनाने के लिए यूज होता है। एग्जांपल में हमारे पास है ऑडिटोरी समी या सुनने से मुतल्लक। इल्यूजरी बातल या फरेब नजर। इंट्रोडक्टरी तारुफी। माइग्रेटरी खाना बदोश। नेक्स्ट फिक्स है ISE या IZE, तो ये मफहूम दे रहे होते हैं डूइंग और मेकिंग के यानी करना और बनाना। मेमोराइज याद करना। नेशनलाइज कौमी मलकियत में लेना। ऑर्गेनाइज मुनज़म करना। स्कैंडलाइज बदनाम करना। पेट्रोनाइज सरपरस्ती करना। इक्वलाइज मसावी करना। क्रिटिसाइज तनकीद करना। मोनोपलाइज अजारादारी करना। सेम्पथाइज हमदर्दी करना। नेक्स्ट हमारे पास सफिक्स है Y, ये किस लिए यूज होता है? फॉर मेकिंग ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव, इसम और इसम और इसमें सिफ्ट बनाने के लिए। मिजरी मुफलसी की हालत। नेसेसरी जरूरी। विक्ट्री फतह। इजी आसान। एनवी हसद। हैप्पी खुश। मेमोरी यादाश्त। सॉरी उदास अफसोसनाक। टिरनी जबराना हुकूमत, ये उर्दू में गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लें, जबराना हुकूमत होगा टिरनी। विलेनली कमीनगी। विलेनी कमीनगी। ओनली सिर्फ। लाइकली काम कान। नेक्स्ट फिक्स है SE, ये यूज होता है फॉर मेकिंग ऑफ वर्ब, फेल बनाने के लिए। रेंस पानी तराना किसी शय पर से। सेंस महसूस करना। रिकम्पेंस तलाफी करना। क्लेंस झाड़ना पूंजना। डिस्पेंस तकसीम करना, देना छुटकारा देना, जान छुड़ाना या दवा देना या लगाना। हाँ जी, जो दवा लगाई जाती है या दी जाती है उसके लिए भी हम डिस्पेंस का वर्ड यूज करते हैं। कंडेंस कसीब बनाना, गाढ़ा करना। नेक्स्ट फिक्स है ADE, जो के मानी देता है डू के यानी करना। ट्रेड तजारत करना। बैरिकेड मोर्चा लगाना। ब्लॉकेड नाकाबंदी। कैरोनेड बड़े दहाने वाली तोप। नेक्स्ट फिक्स है हमारे पास AN या ANE, ये किस लिए यूज होते हैं? फॉर मेकिंग ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव, इसम और इसमें सिफ्त बनाने के लिए। मंडेन दुनियावी आर्जी। डेन डेनमार्क का पसंदा। ह्यूमन इंसान। ह्यूमेन मेहरबान शफीक। नेक्स्ट है LET, जो कि हमें मीनिंग दे रहा है लेट आउट बीइंग स्मॉल यानी निकलने देना या छोटा होना। पंफलेट रसाला किताबचा। लीफलेट छोटा पत्ता। आउटलेट निकलने की राह। बुकलेट किताबचा। नेक्स्ट फिक्स है WAY, तो ये मीनिंग दे रहा होता है रूट के, मेथड के या कोर्स ऑफ एक्शन के, रास्ता तरीका हिकमत अमली। स्ट्रेट वे
सीधी राह, लॉन्ग वे तवील रास्ता, हॉल वे बरामदा, एनी वे ताहम या फिर भी। नेक्स्ट फिक्स है ए आई एन, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑफ नाउन, इसमें बनाने के लिए यूज होता है। फाउंटेन फवारा, विलेन मनफी करदार, कैप्टन कप्तान, चीफ्टन सरदार। नेक्स्ट है हमारे पास जो सफिक्स है वो मॉन्गर, ये यूज होता है डीलर या हॉकर के लिए, यानी बेचने वाला या सौदागर। रूमर मॉन्गर अफवाह उड़ाने वाला। वॉर मॉन्गर जंगजू, फिश मॉन्गर माही फरोश, आयरन मॉन्गर लोहे का ताजर। नेक्स्ट है ए आर वाई, ये यूज होता है एडजेक्टिव बनाने के लिए, इसमें सख्त बनाने के लिए। कस्टोमरी का मतलब होता है रवाजी या रस्मी। ऑनररी अजाजी, कंट्रेरी मुखालफ, आर्बिट्रेरी खुद मुख्तारना। के आई एन, ये यूज होता है नाउन बनाने के लिए, इसम बनाने के लिए। नैपकिन मेद का रुमाल, लैमकिन भेड़ का बच्चा। नेक्स्ट हमारे पास सफिक्स है यू आर ई या ई यू आर या ओ यू आर, तो ये तीनों जो हैं सफिक्स यूज होते हैं नाउन बनाने के लिए, यानी इसम बनाने के लिए। ऑनर इज्जत या आजाज। ग्रैंडियर अजमत या रिफत। टेन्योर मियादे ओहदा, मलकियत की मुद्दत। स्टैचर कदोकामत। आई एस एच, ये जो सेंस दे रहा होता है रिलेटिवली की या कंपेरेटिवली की, मन माइल कदरे किसी कदर नस्बतन, इन तमाम वर्ड्स की ये सेंस के लिए हम यूज़ करते हैं आई एस एच को। जैसे नॉरिश खुला पिला कर बड़ा करना, स्टाइलिश वजेदारी वाला, पब्लिश शाया करना, रेडिश सुरखी माइल, यंगिश करीबन जवान, ओल्डिश किसी कदर बूढ़ा। ए टी ई, ये यूज़ होता है फॉर मेकिंग ऑफ वर्ब, फेल बनाने के लिए। नॉमिनेट नामजद करना, मेडिटेट गौरव फिक्र मराकबा, डेजिग्नेट नामजद करना तकर्री, निगेट नफी करना तरदीद, एडवोकेट वकालत करना वकील, असैसिनेट धोखे से कत्ल करना, कल्टीवेट काश्तकारी करना, फॉर्चुनेट खुशकिस्मत। नेक्स्ट है टी ई आर या टी एच ई आर फॉर मेकिंग ऑफ नाउन, ये नाउन बनाने के लिए यूज होता है, यानी इसम बनाने के लिए। ब्रदर भाई, फादर बाप, मदर माँ, सिस्टर बहन, डॉटर बेटी। आगे आ गया गटर, गटर का मतलब गटर ही होता है, जैसे नाली भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सफिक्स है एफ वाई, जो कि मीनिंग दे रहा होता है डू के, यानी करना। सेंक्टिफाई ततहीर करना, पाक करना या मुकद्दस बनाना। पैसिफाई सुकून देना, टेस्टिफाई तस्दीक करना, फोर्टिफाई मजबूत करना, किलाबंदी करना। ई एन सी ई फॉर मेकिंग ऑफ नाउन, ये हमारा जो सफिक्स है ये यूज होता है नाउन बनाने के लिए। इनोसेंस मासूमियत, एक्सीलेंस बरतरी फजीलियत। ए आर फॉर मेकिंग ऑफ एडजेक्टिव, तो ये जो हमारा सफिक्स ए आर है ये इसमें सिर्फ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर जौहरी, रेगुलर बकायदा, सर्कुलर दायरवी, सोलर सूरज से मुतल्लिका, फेमिलियर वाकफ, लूनर चांद से मुतल्लिक। ओ सी के, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑफ नाउन, इसम बनाने के लिए यूज होता है ये। हिलक छोटी पहाड़ी, बुलक बैलगाड़ी। एस टी ई आर, ये यूज होता है पोजेसिंग के सेंस देता है, यानी वाला। यंगस्टर नॉर्मल जवान, ट्रिक्स्टर चालबाज फरेबी। आई क्यू यू ई, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑफ एडजेक्टिव, ये इसमें सिर्फ बनाने के लिए यूज होता है। जैसे एंटीक कदीम चीज़ें, यूनिक लासानी, पिक्चरेस्क तस्वीरी। एल ई एन टी, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑफ नाउन, ये इसम बनाने के लिए यूज होता है। यहाँ पे गलती हो गई है लिखने में, बेसिकली ये लिखना था इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑफ
एडजेक्टिव यानी इसमें स्विफ्ट बनाने के लिए यूज होता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें। एल ई एन टी यूज होता है फॉर मेकिंग ऑफ एडजेक्टिव। रिपेलेंट दफा करने वाला, परे धकेलने वाला या मकरूह। इंडोलेंट सुस्त काहल। टी यू डी ई फॉर मेकिंग ऑफ नाउन, इसम बनाने के लिए। मैग्नीट्यूड वुसत। लॉन्जिट्यूड तूल बल्द। लैटिट्यूड अर्थ बल्द। फॉर्टिट्यूड दिलेरी बहादरी इस्तकाम इस्तकामत इस्तकलाल। आई सी फॉर मेकिंग ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव, इसम और इसमें से बनाने के लिए यूज होता है। मैजिक जादू। क्रिटिक तनकीद नगार, तजिया नगार, तबसरा नगार। एक्वेटिव आबी पानी से मुतल्लक। लूनाटिक पागल। डब्ल्यू आई एस सी ये मीनिंग देता है पर्टेनिंग टू या अप्लाइंग टू, लिहाज से। विड्थ वाइज चौड़ाई के लिहाज से, यहाँ पे फिर टाइपिंग मिस्टेक है, नीचे उर्दू में ये ले लिखा हुआ ले नहीं, ये के है, चौड़ाई के लिहाज से। अदरवाइज दूसरी जानब। लेंथ वाइज लंबाई के लिहाज से। लाइक वाइज इसी तरह। ए एन सी ई ये यूज होता है फॉर मेकिंग ऑफ नाउन, इसम बनाने के लिए। ब्रिलियंस जहानत काबिलियत। अबंडेंस कसरत वाफर। ऑब्जर्वेंट्स मुशादा। असिस्टेंस ताउन। आई एस एम ये जरूर होता है फॉर आइडियोलॉजी, अकीदा के लिए। कैपिटलिज्म सरमायादारी का निज़ाम। आइसोलेशनिज्म तन्हाई पसंदी। कैनिबलिज्म आदमखोरी। सोशलिज्म इश्तराकियत। पैट्रियटिज्म हब्बल वतनी। जर्नलिज्म सहाफत। नेक्स्ट है जी हमारे पास फिक्स बी एल ई या बी आई एल ई, तो ये मीनिंग दे रहा होता है एबल ऑफ के, यानी के काबल या के लाइक। तो ऑडिबल काबिल समात या सुनाई देने वाला या सुनाई देने के काबल। मोबाइल का मतलब होता है काबिल हरकत। विजिबल वाज है देखे जाने के लाइक। फिजिबल काबिल अमल। नेक्स्ट है ए बी एल ई ये हमें मीनिंग देता है कैपेबल ऑफ या कम्पिटेंट टू, यानी के काबिल या के लाइक। अग्रीएबल काबिल इतफाक। लॉडेबल काबिल स्ताइश। प्रोबेबल काबिल इम्कान या मुमकिना। वर्केबल काम के लाइक। थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज़।